अजीत वैब टीवी देखने वाले समूह दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों मैं हाँ सुरेंद्र पाल सिंह बरपाल। अज असी पहुंचे हाँ अमृतसर स्थित वार मेमोरियल विखे, जिते करीब 4000 पुराना जिहड़ा इतिहास है साडा, इंडिया का इतिहास है, पंजाब का इतिहास है, वो इत्थे दर्शाया गया है। पंजाब सरकार वालों एक बहुत ही वधिया उपराला किया गया है। वख वख मुगल काल, अंग्रेज़ काल, उस तो अलावा जिहड़ियां लड़ाइया हुई ने गवांढी मुल्कां दे नाल लड़ाइया हुई ने, उन्हां नूं बाखूबी तरीके दे नाल इत्थे जिहड़ा दर्शाया गया तां जो आने वाली जनरेशन नूं इत्थों कुछ प्रेरणा मिल सके। असीं अज अंदर जाके सारा कुछ देखांगे की कुछ जिहड़ा है सरकार वालों किया गया है ते की कुछ जिहड़ा है सानूं प्रेरणा उत्थों लैनी चाहीदी है। आओ चलदे हां वार मेमोरियल दे अंदर ते जानदे हां साडा अमीर विरसा, अमीर कुरबानियां भरिया इतिहास। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਲਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦ ਪੋਰਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 323 BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਫਟਰ 1 ਮੰਥ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਮੌਰਿਆ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ BC to AD ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਦਾਸੀਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਆ, ਫਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 golden rules ਸੀਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ 4000 years ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ HD Dome ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਗੁਰੂ, 4 ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਾਰ ਪੀਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਤੇ 54 ਟਨ ਭਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
वार मेमोरियल विच पाकिस्तान तो खोए अमरीका दे बने शर्मन टैंक अते 1971 दी जंग दौरान खेमकरण बार्डर ते तबाह कीते पाकिस्तानी फौज दे पेटन टैंक भी स्थापित कीते गए हन। इन्हां टैंकां नूं तबाह करन लई भारत वल्लों वरत्या गया सेंचुरियन टैंक भी इस यादगार दी शान विच वाधा कर रहा है। इस दे नाल नाल 1999 दी कारगिल जंग दौरान दुश्मन दे दंद खट्टे करन लई वड्डी भूमिका निभाउण वाला रूस दा बनिया मिग 23 लड़ाकू जहाज भी इत्थे वेखण नूं मिलदा है। इत्थे अलग अलग गैलरियां बनाईयां गईयां हन जिस विच छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी वल्लों लड़ियां चार लड़ाइयां तो शुरू होके दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों जबर अते जुलम विरुद्ध लड़ियां जंगा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे काल दौरान हुए युद्धां बारे दर्शाया गया है। अक्टूबर 1670 विच किरसानी घर विच जन्मिया लक्ष्मण दास राजौरी कश्मीर विच वड्डा होया। बचपन तो उसका चुका युद्ध वाल सी, पर एक गर्भवती हिरनी नू अपने तीर नाल मारन मगरों उसका मन परिवर्तित हो गया। वह बैरागी बन गया अते नासिक महाराष्ट्र वाल चला गया। इत्थे साधु जनकी दास वालों उसका नाम माधो दास रखा गया। इसे दौरान उसने नंदेड़ विच अपना आश्रम स्थापित किया। जदो एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी मंजे ते बैठे उसनू उड़ीक रहे सन, माधो दास गुरु जी नू भटकाउण विच असमर्थ रहा। वह गुरु जी दे पैरां विच डिग पिया अते मुआफी मंगी। उसका नाम हुण बंदा सिंह रखा गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख पंथ नू मुड़ सुरजीत करन लई बंदा सिंह बहादुर दी चोण कीती। इस तो इलावा एंग्लो सिख वार दियां 6 लड़ाइयां, दोवें विश्व युद्धां विच पंजाबी फौजियां वल्लों विखाए जौहर, 1947-48 विच कश्मीर विच पाकिस्तानी ताड़वियां नाल लड़ी लड़ाई, 1962-1965, 1971 अते 1999 विच हुई कारगिल दी लड़ाई नूं बाखूबी पेश कीता गया है।
हमारे देश के बारे में जो भी मतलब सेना का जो भी है इसके अंदर दिया गया है, जैसे 1971 का है, 1965 का जो युद्ध के बारे में उसमें दिखाया गया है, उसके अंदर हमारे हमारे देश के ऊपर कैसे पाकिस्तान के लोगों ने चाहे जो भी मतलब अंग्रेज़ों का जो शासन रहा है उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। काफ़ी कुछ मतलब पूरी हिस्ट्री दी हुई है इंडिया की, देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं कई बार आ चुका हूँ, जैसे 7-8 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। असी लुधियाने तो आए हाँ, तो साढ़े रिलेटिव इतने रहते हैं, तो उन्होंने दसाया कि इतने एक बहुत वधिया म्यूजियम जोड़ा बनया हुआ कि जोड़ा कि साढ़े पास जोड़े जो भी चीज़ा हुई ने उन्होंने जिमें असी किताबों पढ़िया वो चीज़ा रिटन पढ़िया, बट इतने आके थोड़ा ये फील हो रहा कि बहुत वधिया लग्या सानू कि देख के जिहड़ियां साडियां यादां ने इन फ्यूचर जिहड़े साडी जनरेशन आणगियां उन्होंने रियलाइज़ कराणगियां कि साडे जिवें कि इंडिया ने जिवें कि किवें किवें प्रोग्रेस किया मुगलों तो, जिवें किवें साडे गुरुआं ने बचाया और भी अंग्रेज़ों तो किवें साडा देश आजाद कराया, तो आ चीज़ां देख के थोड़ा महसूस हुंदा वधिया लग्या देख के। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, वो जो लड़ाई हुई है उसके बारे में देख के मुझे पता चला, कुछ पता नहीं था लेकिन इसको देख के पता चला, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। न्यू जनरेशन है इन्हू काफ़ी चीज़ें नहीं पता, जिवें भाई जिवें सूबेदार जोगिंदर सिंह बारे नहीं पता, या महाराजा रणजीत सिंह के दरबार से कौन कौन होंगे सी, या किवें उन्होंने जंग जीती, तो जेडे अपने निक्के साहबजादे आ इन्हां दी शहादतां बारे काफ़ी कुछ नहीं पता। अपने गुरु ग्रंथ साहिब च किन्या ने की लिखिया होया वा, किन्ने की लिखिया, कबीर जी उन्हां ने की लिखिया, इन्हां बारे किसी नूं नहीं पता ही, जिहड़े अजकल दी यंग जनरेशन इन्हां नूं नहीं पता। सो ये बहुत वधिया उपराला जिहदे च लोकां नूं इह जागरूकति मिलेगी ते लोकां नूं इह सब सारियां चीज़ां दा पता लगेगा, ते मेरे ख्याल नाल बहुत वधिया उपराला होगा। नौजवानों नू देश भगती अते फौज विच जाण लई प्रेरित करन लई बनाईयां गईयां नौ गैलरियां विच भारतीयां वल्लों वख-वख जंगां विच विखाए गए बहादुरी भरे कारनामियां नू कंधां ते पेंटिंग बुत्तां अते इलैक्ट्रॉनिक स्क्रीन राहीं दर्शाया गया है। सो इस वेले साडे नाल मौजूद ने वार मोरियल दे प्रिंसीपल गाइड संदीप कौर जी, उन्हां नाल गल्लबात करदे हां। संदीप जी, वार मोरियल दे संखेप दे विच सानू जानकारी दिओ कि किन्नी गैलरीज ने, ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟਿਆ? ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਟਰੋਫੀਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ MiG-23 ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਂਕ ਹੈ ਸੈਂਚੂਰੀਅਨ ਟੈਂਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨ ਪੈਟਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਵਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ 45 meters ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, 54 tons ਉਸਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 8 ਗੈਲਰੀਜ਼ ਆ। ਫਸਟ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, BC to AD, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਉਦਾਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ HED ਮੂਵੀ ਹੈ ਡੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੈਲਰੀ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, 5th ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਵੋਮੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰਜ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। 3rd ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਜੋ ਕਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ 40 years ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ।
फिर बैटल्स ने रणजीत सिंह दियाँ किड़े किड़े उन्हें वैपन यूज़ किए थे जिवें जमचमा तोप तोप जी है मुल्तान के यूज़ की सी उसके बारे दसिया गया डिस्प्ले किया गया आ उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है किवें दरबार लगाते सके फिर उस तो बाद दसिया गया है कि एंग्लो सिख वॉरस फोर्थ गैली जी है ब्रिटिश रूल के रिलेटिड आ उस असी किया हुआ वर्ल्ड वॉर वन टू सारागढ़ी के बारे जो विजिटर्स दसिया गया कि किवें जो है शहीद होए किवें असी जी इंडिपेंडेंस जी प्राप्त की है फिफ्थ जी गैलरी हैगी है इंडो पाक वॉर 47-48 के रिलेटिड आ कि जी कि आज़ादी तो बाद पहली लड़ाई सी जी भारतीय सेना ने लड़ी सी कि जम्मू कश्मीर का एरिया किवें साढ़े को आया उसके बारे दसिया गया कि टैंक्स यूज़ किए गए थे कि रेजिमेंट यूज़ की गई सी और जी डिस्प्ले की गई आ सिक्स गैलरी के इंडो चाइना वार 1962-65 कि रेजिमेंट यूज़ की कि फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ किए गए परमवीर चक्रा महावीर चक्रा जो महान जो शहीद हुए उन्होंने डिस्प्ले किया है सैवंथ गैलरी हैगी है इंडो पॉक वार 1971 बारे दसिया है कि जिसका कि नतीजा लास्ट में बंगलादेश बनया सगा एटथ गैलरी हैगी है कारगिल वॉर के रिलेटिड कि कौन कौन शहीद होया किवें जो कारगिल सेव किया गया सगा उस रिलेटिड है नाइनथ जी बन रही है वो एक मोटीवेशनल गैलरी हैगी फॉर न्यू जनरेशन दे लिए किवें उन्होंने मोटीवेट करना है आर्मी को देश सेवा किसी जी कि करनी सो तुम देख रहे वार मोरियल शहीदों यादगार स्थापित की गई ने सिकंदर तो लैके कारगिल की शहीद तक जिन्हें भी शहीद हुए हैं उन्होंने यादगार इतने स्थापित की गई है जी न्यू जनरेशन है वो इतने आँदी है देश तो अलावा विदेश के होर कोने तो जो लोग आते हैं वो उन्होंने शहीदों को देख के उन्होंने बहादुरी देख के इतने उन्होंने कारनामे जोड़े ने शहादत जिस किस तरीके प्राप्त की है उसनों देख के अपने आप के ही उन्होंने एक माण महसूस करते हैं कि साढ़े देश की राखी वास्ते शहीदों ने कुरबानी की। कैमरामैन डिंपल सुरिंदरपाल सिंह गुरपाल अमृतसर।